आपको नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे कुछ ट्विटर और फेसबुक पे कुछ पोस्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि राणा पुंजा भील है वो भील न होकर राजपूत थे। तो मैं वो स्क्रीनशॉट और जो फेसबुक पे पोस्ट लिखी हुई है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, कुछ तथ्यात्मक चीज जरूर बताना कि राणा पुंजा वास्तव में भील थे। तो पोस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसमें कहा गया है राणा पुंजा मेवाड़ के 15वां ठिकाने के सोलंकी राजपूत थे। भूमराज सोलंकी के महान पोते अक्षयराज सोलंकी द्वारा स्थापित 15वां ठिकाना 1478 से 1947 तक सोलंकी राजपूतों की निगरानी में था। इसमें इन्होंने बोला है कि आइए हम कुछ सत्यापित स्रोतों के माध्यम से इस भ्रांति को स्पष्ट करें। ये है वो स्क्रीनशॉट जिसमें इन्होंने राणा पुंजा को राजपूत होने का दावा किया। लेकिन इन भाई साहब ने इस बात पे गौर नहीं किया है कि राजपूतों के आगे सिंह लगता है, लेकिन इन्होंने कहीं भी राणा पुंजा भील के सिंह का प्रयोग नहीं किया है। तो और इसमें जो फेसबुक पे पोस्ट है मैं वो भी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूँगा। उसमें भी नहीं बताया गया है कि राणा पुंजा है वो भील न होकर राजपूत थे। 1572 से 1610 ईस्वी में महाराणा प्रताप द्वारा मुगल अकबर के विरुद्ध लड़े गए दीर्घकालीन स्वतंत्रता संग्राम को अध्ययन सेनानी 15वां का सोलंकी शासक एवं घुमट का गौरव वीर योद्धा राणा पुंजा, जिसने 1577 ईस्वी के इतिहास प्रसिद्ध इतिहास हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो यहाँ तक तो इन भाई साहब ने स्वीकार किया है कि महाराणा प्रताप का साथ है वो राणा पुंजा ने दिया। 1576 ईस्वी से 1586 ईस्वी तक महाराणा प्रताप द्वारा मेवाड़ के विकट पहाड़ों एवं वनों में मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़ी गई 10 वर्षीय लड़ाई में राणा पुंजा के नेतृत्व में सोलंकी व आदिवासी भील सैनिकों ने जो अवर्णनीय अविस्मरणीय सहयोग प्रदान किया उसके लिए कारण प्रताप द्वारा मुगल सेनाओं को परास्त करने में संभव हुआ। यानी इन भाई साहब ने पूरा ये तथ्यात्मक चीज देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतिहास है उसको आप भले तोड़ या मरोड़ दो, लेकिन सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। दोस्तों, इन भाई साहब ने ये भी स्वीकार कर लिया है कि भीलों के कारण ही महाराणा प्रताप है वो उस युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, लेकिन ये तुले हुए हैं राणा पुंजा को राजपूत साबित करने। देखिए, संघर्ष के इतिहास में वीर राणा पुंजा का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। यहाँ भी राणा पुंजा को राणा पुंजा नाम से ही इन्होंने संबोधन किया है, न कि राणा पुंजा सिंह। 15वां के सोलंकी और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मेवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन महाराणा प्रताप के राजारोहण के समय कुमलगढ़ में राणा पुंजा सोलंकी अपने सैनिकों व धनुधारी भील सैनिकों के साथ मौजूद थे। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण उत्सव में मेवाड़ के सभी बड़े छोटे सरदार जो चित्तौड़ के जोहर से बचे थे शामिल हुए। सबसे पहले तो मेरा इनसे भाई साहब से यही सवाल रहेगा कि भाई साहब जो राजपूतों का नामकरण है वो इस तरह से नहीं होता जैसे राणा पुंजा और दूधा सोलंकी, इस तरह से इनका नामकरण नहीं होता। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि राजपूतों के नाम के आगे सिंह लगता है जहां तक मैंने पढ़ा है, तो इस बात को मैं नकारता हूं कि राणा पुंजा राजपूत थे। और कुछ मैं आपको बुक्स के भी हिट्स दूंगा ताकि आप उनको पढ़ लें तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि राजपूत क्या चीज है और भील क्या चीज है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप और उनके सहयोगियों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की योजना बनाई और मेवाड़ के पहाड़ों में मुगल सेनाओं से लड़ने की छापामार युद्ध प्रणाली का रूपरेखा तैयार की। इस रणनीति की मुख्य बातें थी। अब इन्होंने यहाँ पर जो छापामार युद्ध प्रणाली की बात की है तो इस बात पे भाई साहब आप गौर कीजिए कि जो छापामार युद्ध प्रणाली है वो सिर्फ भील लोग ही जानते थे, क्योंकि ये इतिहास का एक कड़वा सत्य है जिसको मतलब आप कभी भी
झूठा साबित नहीं कर पाओगे। 300 मील की परिधि वाले मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के भीतर प्रवेश करने वाले सभी मार्गों की नाकेबंदी करना और वहां पर शत्रुओं के प्रवेश करते समय पहाड़ों के पीछे से निकलकर उन पर आकर ये इनकी मतलब जो छापामार युद्ध प्रणाली है उसमें क्या किया जाता है कि छिप के वो युद्ध किया जाता है। तो इन भाई साहब ने ये साबित करने की कोशिश की है कि राणा पुंजा भील नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो तथ्य सामने रखे हैं उनसे साबित नहीं हो पाता है मेरे भाई कि राणा पुंजा भील नहीं राजपूत थे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि ये बात आपको कहां तक इन भाई साहब की है वो सत्य लग रही है। ये फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई है इन भाई साहब की, आप गूगल करोगे तो आपको शायद ये पोस्ट मिल भी जाए।